तो ट्रैक्टर ट्रॉली के चोरी कर करके यहाँ काटने की सूचना पे मैंने एक पुलिस टीम यहाँ पे प्रीतम सिंह जी एएसआई के नेतृत्व तो में भेजी गई। तो वहाँ पे वो एक ट्रैक्टर जो काट रहे थे, ट्रॉली काट रहे थे, वो मिला, एक व्यक्ति मिला जिसको वहाँ से क्रेन की सहायता। थाना क्षेत्र के गुंडगांव में कबाड़े के गोदाम में चोरी के वाहनों को खरीदकर उन्हें काटने का कारोबार संचालित किया जा रहा था, जहां कामा थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने मुखबिर की सूचना पर गांव गुंडगांव में दबिश देकर ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली व उनके काटे गए पुर्जे सहित गैस कटर व अन्य सामान को बरामद करने में सफलता हासिल की है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से कार्रवाई की गई है, जानते हैं कामा थाना अधिकारी रामकिशन यादव से। सर, क्या कार्रवाई की और किस तरीके से की है? आज हमें कांस्टेबल के माध्यम से सूचना मिली कि गुंडगांव नहर के पास में किसी कबाड़ी ने एक स्थान पे कबाड़ शुरू किया और उस स्थान को उसने कवर्ड कर रखा था उसको, कि जिसके अंदर क्या चल रहा है पता नहीं लगे। तो ट्रैक्टर ट्रॉली के चोरी कर करके यहाँ काटने की सूचना पे मैंने एक पुलिस टीम यहाँ पे प्रीतम सिंह जी एएसआई के नेतृत्व में भेजी गई। तो वहाँ पे वो एक ट्रैक्टर जो काट रहे थे, ट्रॉली काट रहे थे, वो मिला, एक व्यक्ति मिला जिसको वहाँ से क्रेन की सहायता से लेकर के पुलिस स्टेशन में हम यहाँ पर आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पे एक नंबर लिखा हुआ था और करमवीर यादव प्रधान लिखा हुआ था, उस पर कॉन्टैक्ट किया गया तो उसने बताया कि मेरा इंडो फार्म ट्रैक्टर 3-4 दिन पहले चोरी हुआ था और मैंने उसकी रिपोर्ट पटौदी गुरुग्राम में करवा दी है। ये वही ट्रैक्टर इंडो फार्म ही निकला और मुकेश एक सिद्दिक जो गुंडगांव का ही था उसको हमने पकड़ा है, मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में और कौन मुलजिम है, ट्रैक्टर यहाँ तक इनके पास कैसे पहुँचा, इसके बारे में दौरानी इन्वेस्टिगेशन उससे पता किया जाएगा। पूर्व में भी ऐसा ही, ये सही है कि पूर्व में गुंडगांव के अंदर जो दो कबाड़ियों की दुकानें हैं जो कबाड़ खरीदते, वहाँ पे एक स्कूल की बस को काटते हुए वहाँ से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनको जेसी करवा दिया, जयपुर से चुराई गई थी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुखबिर की सूचना पर सुदर्शन चक्र अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जहां कार्रवाई के दौरान मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर ली है जो हरियाणा के पटौदी से चोरी किए गए थे और उनका हरियाणा के पटौदी में 2-3 दिन पहले मामला दर्ज करा दिया गया था। ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो नंबर मिले थे उस आधार पर पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए ट्रैक्टर मालिक तक पहुँची है और ट्रैक्टर को वहाँ से क्रेन की सहायता से पार्सों को कामा थाने पर ले आई है और मामला पंजीकृत करने के बाद पुलिस पूरी गहनता से मामले में अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करने में जुट गई है।